हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। तो बच्चों, हमें गिवन है दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, सेम मेटल से बने हुए स्फीयर हैं और इनकी रेडियस है हमारे पास आर, और ये एक दूसरे को टच करते हैं। मान लेते हैं इनके मासेस हैं एम ई, बिकॉज आइडेंटिकल है तो ये इस पॉइंट ए पर एक दूसरे को टच करते हैं कॉन्टैक्ट में। फाइंड करना है कि इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दैट एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी वन एम को डिवाइडेड बाय स्क्वायर, या कैपिटल ग्रेविटेशन आर है सेंटर डिस्टेंस। तो हम इस सिचुएशन में जो फोर्स देखेंगे आ जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों, यहाँ जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम डिस्टेंस के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, टू आर ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आ जाएगा मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी लेते हैं वो। अब स्फीयर का वॉल्यूम लेते हैं हम 4/3 πr³ एंड डेंसिटी इज रो। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्स इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 4r² और m स्क्वायर के प्लेस पर 4/3 πr³ रो का स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है उनको सेपरेट कर देंगे, लाइक g दिस 4 एंड 4/3 π एंड रो, इसका स्क्वायर जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, r⁻⁶ डिवाइडेड बाय r² इट मीन्स आ जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁴। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू।